हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कोच, मेक्स योर ड्रीम ट्रू। मैं हूँ राहुल, आप सभी का दोस्त। प्रेजेंट कर रहा हूँ आज का ये वीडियो। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में हम लोग 3 अक्टूबर का, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, 3 अक्टूबर का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स होगा, साथ ही साथ उसके अंदर में जो भी डिस्क्रिप्शन जो मुझे देनी होगी, जैसे कि कोई भी करेंट अफेयर्स मैं बताऊंगा तो उसके पीछे कुछ भी जो भी चीज़ें रहेगी एक्सटर्नल नॉलेज, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर में बताने वाला हूं। आई होप सो कि आपको ये बहुत ज़्यादा जो है आपके एग्ज़ाम के अंदर में ये फ़ायदेमंद हो। ठीक है, तो गाइज, जो भी पहली बार हमारा इस चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आए हमारे चैनल के द्वारा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ये इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो गाइज, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आपके सामने में एक क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विश्व के मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट की सूची में एशिया महाद्वीप के किन 2 देशों को पहला स्थान मिला है, और आपके ऑप्शंस हैं भारत और सिंगापुर, दूसरा है चीन और सिंगापुर, या जापान और सिंगापुर, या फिर चीन और जापान। बताइए आपको इसका सही आंसर क्या लगता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर होगा गाइज, वो होगा जापान और सिंगापुर। ठीक है, तो और मैं साथ ही साथ इसको इसके अंदर में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गाइज, वे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि गाइज, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि इंडिया का इसके अंदर में रैंकिंग कितना था। तो इंडिया का रैंकिंग जो है गाइज, वो आपका 82वां, यानी कि 82वां मतलब था। ठीक है, 82 रैंक जो है इंडिया का रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि पासपोर्ट की दुनिया के अंदर में, यानी कि जो इस मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट बोल रहा है, इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये जो आपको जापान और सिंगापुर का ये मोस्ट फ्रेंडली जो है पासपोर्ट हुआ करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा जारी की गई स्वच्छ रेलवे स्टेशन की सूची में किस रेलवे स्टेशन को पहला स्थान मिला है। आपके ऑप्शंस हैं छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, दूसरा है आपका नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अगला है आपका जयपुर रेलवे स्टेशन, और अगला है आपका गोरखपुर रेलवे स्टेशन। तो गाइज, इसका जो सही आंसर है वो है आपका जयपुर रेलवे स्टेशन। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूँ कि राजस्थान के 3 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिसको स्वच्छ, मतलब कि स्वच्छ स्टेशनों के अंदर में ये रैंकिंग दी गई है, और जिसमें सबसे पहला रैंकिंग जो है जयपुर का है, दूसरा आपका जो है आपका गाइज, तो वो आपका जो मैं बता दूँ कि जोधपुर का है, और फिर उसके बाद अगर बात करें तो वो आपका दुर्गपुरा का है। ठीक है, और ये राजस्थान के 3 ऐसे स्टेशन हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि ये जो राजस्थान के 3 ऐसा स्टेशन है, ये 720 और अन्य स्टेशन जो हमारे देश के हैं उसको पीछे छोड़ के गाइज, ये पहला, दूसरा और तीसरा जो स्टेशन बना। तो जो मैंने क्रम बताया, सबसे पहला मैंने बोला जयपुर, दूसरा बोला मैंने जोधपुर, तीसरा मैंने बोला आपको आपका दुर्गपुरा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन फेक न्यूज़ के प्रसार को रोकने के लिए भारत सहित कितने देशों ने मिलकर हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन है 7, 10, 15 या फिर 20। तो गाइज, मैं आप लोग को बता दूँ कि इसका जो सही आंसर है वो है आपका 20। ठीक है, तो गाइज, 20 देशों ने इस पे मिलकर हस्ताक्षर किए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको इसके अंदर में एक चीज़ और बता दूं कि मलेशिया ने इसके लिए एक बहुत बड़ा जो है नियम जो है पारित किया, जिसके अंदर में अगर आप कभी भी मलेशिया के अंदर में कोई भी फेक न्यूज़ फैलाते हो, अगर ये साबित हो जाता है तो आपको 85 लाख जो है आपको भरने पड़ सकते हैं। कितने? तो गाइज, ये ध्यान दीजिएगा, मलेशिया का बहुत बड़ा प्रावधान निकला है, ठीक है, इसके लिए, तो 85 लाख जो है आपको भरने पड़ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको जो है 6 साल का जो है आपको इसके अंदर में जेल हो सकता है। तो गाइज, ये याद रखिएगा कि मलेशिया, कौन सा देश मैं बोल रहा हूँ, तो मलेशिया देश। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉरी, चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्पेन और किस देश की सरकार के साथ मिलकर स्वच्छ वायु गठबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की है, और आपके ऑप्शंस हैं चीन, यूनाइटेड किंगडम, अगला है पेरू, फिर अगला है आपका कजिकिस्तान। बताइए आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है आपका पेरू। ठीक है, तो विश्व
सॉरी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्पेन और किस देश के साथ अगर आपको पूछा जाए तो हमेशा याद रखिए पेरू, क्योंकि स्पेन और पेरू ने मिलकर जो है ये जलवायु परिवर्तन का जो है आपको वो स्वच्छ वायु गठबंधन के लिए जो है ये समझौता किया है। और मैं आपको बता दूं इसके अंदर में कि इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि जलवायु परिवर्तन में योगदान देने वाले वायु प्रदूषण के स्रोत को कम करने के लिए जो भी निवेश करना वो ये दोनों जो है मिलकर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी एलिसा हिली ने T20 के एक मैच में कितने रन बनाकर सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए। तो गाइज इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 148 रन। मैं इसके बारे में भी और कुछ बताना चाहता हूँ गाइज कि 61 गेंदों में 148 रन बनाया इन्होंने, और साथ ही साथ इसके अंदर में ये इन्होंने 19 चौके के साथ साथ 7 छक्का भी इन्होंने लगाया था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक पहली महिला बन गई हैं जो कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली है। ठीक है, तो रिकॉर्ड बनाया इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली क्रिकेटर महिला में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के धावक अविनाश साबले दोहा के विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस के कितने मीटर स्टीपलचेज स्पर्धा के फाइनल में पहुँच गया है। बहुत इंपॉर्टेंट गाइज है ये क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं कि 3000 मीटर में जो है ये पहुंचे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं साथ ही साथ कि व्यक्तिगत ट्रैक पर फाइनल में पहुंचने वाले ये पहले भारतीय पुरुष एथलीट बने हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है गाइज कि श्रीलंका क्रिकेट टीम के किस पूर्व खिलाड़ी ने हाल ही में मेलबोर्न क्रिकेट क्लब में अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला है। आपके ऑप्शंस है तिलक रत्न दिलशान, अगला है एंजेलो मैथेरियस, अगला है आपका कुमार संकारा, या फिर आपका महिला जयवर्धने। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए और ये इसका जो आंसर है आपका वो है कुमार संगकारा। मैं आप लोग को बता दूं गाइस कि इसका जो कार्यभार होगा, ठीक है, सबसे पहले तो ये आप लोग जान लीजिए कि ये जो है आपका सबसे पहले गैर ब्रिटिश नागरिक हैं, और इनका जो कार्यकाल होगा गाइस वो आपका एक वर्ष का होने वाला है, आप लोग याद रखिएगा। गाइज मैं आप लोग को एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें से डैश प्रधानमंत्री 4 दिवसीय यात्रा भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगी। आपके ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, शेख हसीना, बेंजिन भुट्टो या फिर अलीना गोमेज। आपके ऑप्शंस ये थे, और मैं आपको बता दूं कि जो सही आंसर होगा वो होगा शेख हसीना। ये बांग्लादेश की ये प्रधानमंत्री हैं, और ये आपको 3-4 अक्टूबर को आने वाली हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि 5 अक्टूबर को जो है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने वाली हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच कितने वर्ष पुराने मामले में ब्रिटेन की कोर्ट ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है। तो बताइए कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला था, मामला भी बताऊंगा, पहले आप लोग आंसर जान लो कि ये आपका जो है 70 वर्ष पुराना मामला था। और इसके अंदर में जो मामला था गाइज, ये देखिए कि उस टाइम जो हैदराबाद के निज़ाम हुआ करते थे, ठीक है, कब, तो 1948 में, याद रखिएगा कब, 1948 के अंदर में हैदराबाद के एक निज़ाम थे, ठीक है, जिनका नाम जो है गाइज आप लोग याद रख सकते हो, नहीं तो इम्पॉर्टेंट नहीं उतना कुछ, ठीक है, उस्मान अली खान नाम था। ठीक है, पूछ लिया जाए तो आप इसको याद रख सकते हो, उनका नाम उस्मान अली खान थे। ठीक है, तो उस वक्त उन्होंने लंदन के एक बैंक थे, ठीक है, जिसके अंदर में उन्होंने 8 करोड़ रुपये जो है जमा करवाए थे। कितने? 8 करोड़ रुपये जमा करवाए थे लंदन के बैंक के अंदर में। ठीक है, तो ये 8 करोड़ जो है अभी के टाइम जो गाइज ये 300 प्लस करोड़ जो है ये बन गया है। कितने? तो 300 प्लस करोड़ जो है ये बन गया है। ठीक है, 300 प्लस करोड़ बन गया है। लेकिन पाकिस्तान का तो आपको पता है टांग अड़ाना है, तो पाकिस्तान ने इसमें ये कहा कि इस पैसे पे जो है उनका हक है। तो इसी चीज़ का जो फैसला गाइस ब्रिटेन की कोर्ट ने दे दिया है, किसके पक्ष में, तो भारत के पक्ष में। और ये आपका कितना पुराना ये केस था, तो ये 70 साल पुराना जो है ये केस था। चलिए चलते हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा ये है
कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह से रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए उद्देश्य से मुलाकात की है। तो गाइज इसका जो सही आंसर होगा, आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका जो मालदीव होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो गाइज ये थे तीन अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो कि अगले और जैसे कि 4 अक्टूबर का जो है आप देखना चाहते हो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।